हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं और आपको टीचर कुछ इस प्रकार का पीडीएफ देते हैं जिसका बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लैक होता है और आप सोचते हैं कि अगर इसका बैकग्राउंड वाइट होता तो मैं इसको जेरक्स करवा लेता जिससे मैं इजीली रिविज़न कर सकता था। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, मैं एक सिंपल सा टेक्निक बताऊँगा जिससे आप अपने पीडीएफ के बैकग्राउंड को वाइट कर सकते हैं और ये जेरक्स करवा सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक पीडीएफ है जिसको यहाँ पर ब्लैक पीडीएफ नाम यहाँ पर कर दिया हूँ, जिसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मेरा पीडीएफ का बैकग्राउंड ब्लैक है और इसको चेंज करूँगा, ब्लैक पीडीएफ नाम है इसका। तो इसको सिंपल आपको एक प्ले स्टोर से एक पीडीएफ कन्वर्टर नाम के एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको ओपन करना है और पीडीएफ टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो पीडीएफ है इसको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पर मेरा ब्लैक पीडीएफ करके नाम था। वन सेकेंड, देखिए यहाँ पे ब्लैक पीडीएफ नाम है और यहाँ पे आपको इन्वर्ट पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट करना है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड ब्लैक था वो मेरा पूरा बैकग्राउंड वाइट हो चुका है और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरा डाउनलोड हो चुका है, अपना हम फाइल में देखेंगे कि मेरा डाउनलोड हो चुका है। देखिए ब्लैक इन्वर्ट वन करके है, यही मेरा, इसका बैकग्राउंड पूरा तरह से वाइट है।